इंग्लैंड वालों कैसे ससुरी के तुम लोगों को मजा आया ना, मैच जीत गए हम, दोनों के दोनों पॉइंट आपसे ले लिए ना, मुंह लटका के बैठे हो। ससुरी वाले अपने आप को बहुत बड़ी टीम समझते हैं, कैसे पहला आयरलैंड वालों ने। अबे बस करो आयरलैंड वालों, तुम्हारे बस की कहां बात थी मैच जीतना इंग्लैंड से, वो तो बारिश आ गई। ससुरी वालों 33 गेंदें बाकी थी, केवल 53 रन थे। मोइन अली जिस तरीके से ठोकरा था ना, उसने 10 गेंदें बचा देनी थी। अबे बस कर रहने दे ससुरी वालों, तुमको तो आते ही मैंने चलता किया ना शून्य के स्कोर पर, बड़ा आया जोश बल्टर। ससुर का नाती मेरी गेंद पर आउट हो गया, और तुम्हारा एलेक्स हेल को भी मैंने कितनी जल्दी आउट किया, मजा आया ना। अबे बस करो, सबको पता है बारिश होगी, केवल 5 रन से जीते क्यों। रोहित और बाबर भैया हमारे साथ धोखा नहीं हुआ, ना इंसाफी नहीं हुआ, एक गेंद और खेल जाता ना मोइन अली छक्का लगा लेता तो मैच तो हमारा था। अबे चुप कर बेन स्टोक्स, ससुरी वालों हार गए हो, काहे की ना इंसाफी हुई है, बिल्कुल सही डिसीजन हुआ है, रन रेट को देखकर खेलना था, अंधे थे नजर नहीं आ रहा था बारिश आ रही है। बाबर भैया अभी तो ये ससुरी वाले इंग्लैंड वाले बच गए, बहुत उछल रहे थे, ससुरी वाले आयरलैंड से जीत नहीं सकते, आए बड़े वर्ल्ड कप खेलने, अभी तो पॉल स्टार्लिंग नहीं चला, वरना हमने 20 ओवर में 200 रन बनाने थे। और इंग्लैंड वालों अब शर्म करो, ससुरी वालों आयरलैंड से हार गए हो, मुझे नहीं लगता आगे तुम बड़ी टीमों से जीत पाओगे। ससुरी वाले बारिश का बहाना मत बनाओ, सबको पता था बारिश आने वाली, तेज खेलना था, पहले ही विकेट गुवा के बैठ गए। रोहित भैया ऐसे कैसे ससुरी वाले रन बना लेते तेज गति के साथ, इधर मेरी भी गेंदबाजी थी ना, नानी याद दिला दी इनको, 3 ओवर में मात्र 16 रन दिए, लेकिन अब तुम भी खैर मनाना, सेमीफाइनल में भूल कर हमारे सामने मत आना। अबे चुप कर जोश लेटल के बच्चे, इंडिया को धमकी दे रहा है, पहले सेमीफाइनल में तो पहुंच जाओ ससुरी वालों, एक मैच जीत कर कोई सेमीफाइनल में पहुंचता है क्या, पहले आ जाओ सेमीफाइनल में, उसके बाद देख लेंगे अगर आप हमारे सामने आए तो। रोहित भैया आप भी कमाल करते हो, ये एक मैच जीत कर क्या सेमीफाइनल में पहुंच गए, और हम क्या एक मैच हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, हम आगे वाले तमाम मैच जीतेंगे और सेमीफाइनल में हो सके हम ही आपके सामने आए, फिर आपको बताएंगे। अबे आ जाना ससुरी वालों, कोई भी हमारे सामने आ गया, इस बार तो न्यूजीलैंड आएगा, उसको भी नहीं छोड़ेंगे ससुरी वाले। ये पाकिस्तान वाले अपने आप को बहुत 30 मार्क समझते थे, इनको नहीं हमने छोड़ा, आपको छोड़ेंगे, इस बार तो वर्ल्ड कप हम ही लेके जाएंगे, चुप करो। और रोहित ससुरी के ज्यादा लंबी लंबी मत छोड़, अभी आप लोगों ने भी एक मैच जीता है, ससुरी वाला सबको धमकी देने लगा है, चुप करके बैठ, सेमीफाइनल भी जीतोगे तो फाइनल में हम ही आएंगे आपके सामने, इसका बदला ले लेंगे। अबे चुप पाकिस्तान और इंडिया वालों, तुम्हारा यही फंडा होता है हर टूर्नामेंट में ससुरी वालों, पहले फाइनल में पहुंच जाओ फिर आपस में खेल लेना, चुप करती अब दिमाग नहीं खराब करो भाइयों, केवल फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो।